स्टार्ट क्वेश्चन नंबर टू. कंप्लीट द टेबल फर्स्ट. यहाँ पे प्लस दिया हुआ है ना, मीन्स ऐड करना है. 1 + 1 टू, 3 3 4 4 7, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 4 5 5 8, 3 4 4 5 5 8. नेक्स्ट इज 4 5 5 6 6 9. नेक्स्ट इज 4 5 5 6 6 9. नेक्स्ट इज 7 8 8 9 9 12. नाउ यू हैव टू गिव आंसर ऑफ द क्वेश्चन. नंबर वन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज 6. सॉरी इवन, पहले इवन है, इवन बताना है. टोटल स्कोर मीन्स द सम दैट यू हैव गॉट. यू हैव टू चेक फॉर द इवन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन टोटल कितनी है, ये काउंट नहीं करना. यहां से देख लो, ये 6 है, ये 6 है, तो 36 हो गए. तो 18 upon 36, एक्चुअली ये तो ऑब्वियस ही है. अगर 36 है ये, तो हाफ इवन और हाफ ऑड होंगे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर्स. ऐसा हमेशा, वैसे कब होता है ऐसा, जब 1 से लेके 6 तक कॉन्टिन्यूस नंबर होते हैं. यहाँ कॉन्टिन्यूस नहीं है इसलिए काउंट किया. अगर ये नंबर कॉन्टिन्यूस होते ना, तो हाफ इवन हाफ ऑड ही बनने थे. लेकिन अभी ऐसे नहीं है. यहाँ पे देखो आपके सामने, यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ऑड है 3 नंबर और 3 इवन है, इसलिए ऐसा हो रहा है हाफ ऑड हाफ इवन. अगर ऑड ज्यादा होते तो नंबर्स में चेंज, दिस ऑप्शन कैन चेंज. क्या होगा 1/2 प्रोबेबिलिटी 6, सम 6 बनना चाहिए. 4/36 दैट इज 1/9. एंड नेक्स्ट इज एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम 6 चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सारे चलेंगे, उससे कम नहीं होना चाहिए. एटलीस्ट 6 का मतलब है 6 तो कम से कम चाहिए, उसके बाद वाले सारे, 6 के आगे वाले सारे चलेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है. 15 upon 36 5/12. क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो जानवी. ये गिवन है आपको, 5 रेड बॉल्स हैं, सम ब्लू बॉल्स आर देयर, नंबर इज नॉट गिवन. तो लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बी एक्स. एक्स ले लेंगे, लिखो आप. लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बी एक्स. टोटल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी, सक्षम बोलो. 5 रेड बॉल हैं, एक्स ब्लू बॉल्स हैं, बोलो चांद. टोटल आउटकम्स कितनी होगी, फाइव प्लस एक्स, सम निकालते हैं ना, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो.
सम फाइंड करते हैं, टोटल आउटकम्स फाइव प्लस एक्स. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज डबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल. ये गिवन है क्वेश्चन में. ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बोलो आप केशव, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी बोलो क्या आएगी. फेवरेबल अपॉन टोटल एक्स अपॉन फाइव एक्स, फाइव प्लस एक्स इज इक्वल टू डबल ऑफ द रेड बॉल. बोलो अर्पित रेड की. इसे सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी. करो सॉल्व, ये क्या हो जाएगा, टेन अपॉन फाइव प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन फाइव प्लस एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व कर लो. डबल वैल्यू आएगी क्योंकि क्वाड्रेटिक बनेगी. नहीं काटना, बताया ना क्वाड्रेटिक बनेगी. देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर बन रहा है ना, अगर कट कर दोगे तो लीनियर रह जाएगी. क्वाड्रेटिक है ना, डबल आंसर डिस्कस करें कोई बात नहीं, लेकिन आपने तो करना है. पॉसिबल आंसर तो है जो वो टेन और माइनस फाइव आएगा, लेकिन ब्लू बॉल्स कांट बी नेगेटिव तो आंसर टेन हो जाएगा. वैसे पॉसिबल वैल्यूज तो दो आ रही है ना. टेन और माइनस फाइव, इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस फिफ्टी. फैक्टर आ जाएंगे माइनस टेन और फाइव, माइनस टेन और फाइव आ जाएंगे फैक्टर. इक्वेशन में पुट करो, डबल आंसर कैलकुलेट हो जाएगा टेन और माइनस फाइव. कौन सा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसे मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, इसको इसे मल्टीप्लाई करोगे टेन एक्स प्लस फिफ्टी. फिफ्टी पहले भी लिख सकते, मैंने बाद में लिख दिया. ठीक है, कलेक्ट कर लो एक साइड पे, फाइव एक्स माइनस टेन एक्स माइनस फिफ्टी इज इक्वल टू जीरो. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फाइव एक्स माइनस फिफ्टी इक्वल टू जीरो. फैक्टर्स निकाल लो, टेन और फाइव आ जाएंगे. ले जाओ, बाद में तो इकट्ठे ही करना पड़ेगा. क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आप फिर ये नेगेटिव तो हो जाएगा, इसलिए जो सबसे बड़ा होता है उसको पॉजिटिव बनाना होता है, नहीं तो नेगेटिव में गलती हो जाएगी आपसे. एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फिफ्टी इक्वल टू जीरो. एक्स कॉमन, x माइनस टेन एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो. एक्स इज इक्वल टू टेन माइनस फाइव, नॉट पॉसिबल. नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स आ गई टेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप का है वो भी. ए बॉक्स कंटेन्स 12 बॉल्स ऑफ विच एक्स आर ब्लैक. 12 बॉल्स हैं टोटल, इसका मतलब टोटल आउटकम 12 होगी. उसमें से एक्स जो है वो ब्लैक बॉल्स हैं.
If one ball is drawn at random from the box, what is the probability that it is a black ball? X by 12. ये favorable है, ये total है. Write down. Total outcomes 12. Total outcomes 12. Probability of black ball is equal to x by probability of black ball is x upon 12. अब देखो ये फर्स्ट पार्ट था, हो गया सेकेंड पार्ट. इफ सिक्स मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, सिक्स ब्लैक बॉल्स जो है बॉक्स में डालेंगे, दोनों में सिक्स सिक्स प्लस हो जाएगा. द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द ब्लैक बॉल इज नाउ, अब ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सेकेंड पार्ट में? सेकेंड पार्ट में ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? x प्लस सिक्स अपॉन 18. ये न्यू प्रोबेबिलिटी आ गई, सिक्स बॉल्स ऐड करने के बाद ये न्यू ब्लैक बॉल जो आप फाइंड करोगे प्रोबेबिलिटी उसकी आ गई. अब कहते हैं ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये डबल है पहले वाले की. नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द ब्लैक बॉल इज डबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्लैक बॉल बिफोर इट. ठीक है, ये इससे डबल है. तो आप सॉल्व करोगे, x प्लस सिक्स बाय 18 is equal to double of x by 12. x plus 6 upon 18 is equal to double of x upon 12. इसकी कटिंग कर दो, 6 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू आ गई. कितना आ रहा है? 5. A jar contains 24 marbles. Some are green, some are and others are blue. 24 है, इनमें से green है और blue है. Numbers दोनों के ही given नहीं है. ठीक है, दोनों के ही number नहीं given है. अगर green को x ले ले तो blue marbles कितने आ जाएंगे? 24 minus x. ठीक है, राइट डाउन. हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं. राइट डाउन टोटल आउटकम्स 24, टोटल आउटकम्स 24. ये क्या हो रहा है, सामान नहीं संभाला जा रहा. लेट ग्रीन मार्बल्स बी एक्स, लेट ग्रीन मार्बल्स बी एक्स एंड ब्लू मार्बल्स 24 माइनस एक्स. लिसन, इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ग्रीन इज 2/3. ग्रीन की प्रोबेबिलिटी इस बार गिवन है. ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
एक्स बाई 24, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज 2/3। ठीक है, क्लियर है ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल हमारे अकॉर्डिंग एक्स बाई 24 होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2/3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स आ जाएगा 16, मतलब ग्रीन मार्बल्स जो हैं वो 16 आ गए। ब्लू कितने आएंगे? 24 माइनस 16, 8 आ जाएंगे। ब्लू मार्बल्स फाइंड करने हैं, ग्रीन आ गए 16, ग्रीन 16, ब्लू 24 माइनस 16, दैट इज 8। एग्जाम्पल स्टार्ट करो, पेज नंबर 306 पे एग्जाम्पल नंबर 13 से स्टार्ट करो। ये सारे एग्जाम्पल्स अभी करने हैं आपने, जल्दी करो। चैप्टर फिनिश हो गया, एक्सरसाइज फिनिश है, एग्जाम्पल्स आप कर लो। 7 एग्जाम्पल्स तक आपको ऑलरेडी गिवन दिए थे मैंने होमवर्क में, जो आपने नहीं किए होंगे आई एम श्योर। ठीक है, बाकी अब कर लो। चलो